हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमएस वर्ड में अगर कभी लाइन डिलीट होने में कोई प्रॉब्लम जा रही हो उनके कुछ सोल्यूशंस के बारे में। तो गाइस, आप जनरली देख सकते हैं एमएस वर्ड में कौन सी लाइन डिलीटेबल है, तो आप वहां पे जाएंगे और उस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो एक एरो चार आ जाएंगी। इसका मतलब ये कि ये मूव हो सकती है, ये लाइन आपकी शेप्स में इंसर्ट पे जाके इंसर्ट की गई है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कोई अगर लाइन आप लेते हैं तो ये देखिएगा आपकी लाइन इंसर्ट हो जाएगी। जैसे अपन यहां पे गए, शेप पे गए और ये लाइन लिए और यहां पे आएंगे तो ये लाइन इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन गाइस, जो दूसरी वाली लाइन है आप देख पा रहे होंगे, अपन ना इसे सिलेक्ट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन यहां पे जा रहे हैं लास्ट पे और यहां पे अगर डिलीट बटन भी प्रेस कर रहे हैं तो देखिए लाइन नीचे आ जा रही है लेकिन ये लाइन डिलीट नहीं हो रही है। तो असल में गाइस, ये लाइन लाइन नहीं होती बल्कि ये बॉर्डर होता है। और ये लाइन आती कैसे है, जैसे कि आप कभी भी लाइन खींचने के लिए आप तीन बार ऐसे आप 1 2 3 डैश लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं तो आपके सामने एक लाइन आ जाती है। असल में गाइस, ये लाइन नहीं होती, ये होती है बॉर्डर। अगर आप इसे सिलेक्ट करके, और ये देखिए अपन ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ में है बॉर्डर का ऑप्शन, आप यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे नो बॉर्डर, तो ये देखिए आपका ये हट जाएगा, लाइन हट जाएगा। अगर आप इसे हटा देंगे यहाँ से तो ये लाइन नहीं हटेगी। ये असल में एक बॉर्डर होता है, ये लाइन नहीं होती। तो अगर आपको कभी लाइन हटाने में कोई प्रॉब्लम जाए तो आप यहाँ पे ये प्रक्रिया आप यूज कर सकते हैं। तो होप है गाइस, मैं आपको समझा पाऊंगा किस तरह से लाइनिंग प्रॉब्लम अगर एमएस वर्ड में आती है तो उसे किस तरह से शॉर्टकट किया जाए। थैंक्स फॉर गाइस।